आज दुनिया भर में बहुत सारे लोग अपना कितना सारा टाइम वेस्ट करते हैं खास ही इस तरह के क्रिकेट मैचेस देखने में और क्रिकेट की गेम्स देखने में, जबकि उसके अंदर उनका खुद का भी पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं होता। ऐसे कॉम्पिटिशन में और क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे बड़ा, सबसे पहला प्रॉब्लम यह होता है, वो है टाइम वेस्टेज। देखिए, इस्लाम ने गेम की इजाजत दी है रीजनेबल टाइम के साथ। अब कोई गेम अगर आप खेल रहे हैं, उसके अंदर अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है। बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी बॉडी ग्रो हो रही है, स्ट्रांग बन रही है, वेरी गुड माशाल्लाह। लेकिन अगर ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई रियल बेनिफिट नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई लोग क्रिकेट जो देखते हैं, अब देखते देखते बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब उनकी टीम जीतती है, और जब सामने वाली की टीम हारती है तो बहुत खुशी होती है, और खुद की टीम अगर हार गई तो बहुत सैड फील करते हैं, बहुत उदास फील करते हैं। हम ये कहते हैं कि तुम खेल रहे थे क्या, क्या तुम प्लेयर हो? तो नहीं, प्लेयर तो नहीं हो। क्या आप कोच हो उनके? कोच भी नहीं हो आप। या आपको पैसे मिलने वाले हैं, वो जीतेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, या वो हारेंगे तो आपके पैसे का लॉस होगा, वो भी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिसके अंदर अलग अलग कंट्री के प्लेयर्स मिक्स होके वो खेल रहे होते हैं, तो कोई एक खास कंट्री की भी बात नहीं होती है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग बहुत सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि टाइम वेस्टेज। क्या आपको मालूम है हर साल कितने सारे क्रिकेट के टेस्ट मैचेस होती है, कितने सारे वन डे मैचेस होती है, और कितने सारे T20 मैचेस होती है? एक इंसान इतना सारा टाइम जो स्पेंड करे उस चीज के पीछे, तो कल उसे अल्लाह ताला को जवाब देना है कि कहां पे टाइम स्पेंड किया। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की औलाद अपना पांव हिला नहीं पाएगा। आदम की औलाद, हम सब आदम की औलाद हैं, पांव तक हिला नहीं सकते अल्लाह के सामने, यहां तक आके पांच सवालों का जवाब ना दे दे। फर्स्ट क्वेश्चन, अन उम्रही फीमा अफना, जिंदगी कहां गुजारे, पूरी जिंदगी कहां गुजारे? तो उसमें क्या जवाब देंगे कि मैं जिंदगी का मैंने इतना इतना टाइम मैंने क्रिकेट मैचेस देखने में गुजार दिया। अनुमरी फीमा अफना, जिंदगी कहां गुजारे? वान शबाब ही फीमा अबला, जब जवान थे जवानी कहां गुजारी? तो जवानी के टाइम पर लोग क्रिकेट वगैरह देखने में इतना टाइम डालते हैं, तो अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास ये जो टाइम है, ये एक ही बार हम जीते हैं। हमारी जिंदगी जो चल रही है, ये एक ही बार हम दुनिया में रहते हैं, और दुनिया में वो एक बार अगर हमने अच्छा यूज कर लिया तो हमें इनाम मिलेगा, और अगर हमने वेस्ट कर दिया तो अल्लाह ताला को जवाब देना है इसे। तो अन शबाब ही फीमा अबला, जवानी कहां गुजारे? वो माल ही मिनैन अक्तसबहु, पैसा कहां से कमाए, पैसा कहां से कमाए? वो फीमा अनफकहु, कहां खर्च किए? वो मादा अमिला फीमा अलिमा, जो तुम्हें मालूम था, जो तुम्हारे पास इल्म था, उस पर अमल कितना किए? तो हमें ये जवाब देना है। और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखना चाहिए, क्रिकेट का सबसे पहला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग उसमें बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ये है, और वो ये है कि वो नमाजें मिस करने लगते हैं। जब लोग क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि नमाज का टाइम आता है, अब चल रहा है मैच का कोई बहुत इंपॉर्टेंट ओवर, कोई बैट्समैन अभी क्या स्कोर करने वाला है, वो लोग देखने में इन्वॉल्व हैं, और उसकी वजह से ये हो जाता है कि जमात का टाइम जाता है, फिर नमाज का टाइम भी जाता है, और वो नमाज चली जाती है क्रिकेट के कोई कंपटीशन की वजह से। हम लोगों को ये देखना चाहिए, कल कयामत के दिन जब हमारी आमाल की चेकिंग होगी, सबसे पहले जिन आमाल की चेकिंग होने वाली है, सही बुखारी की हदीस है, वो है नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा कयामत के दिन, नमाज। तो हम क्या जवाब देंगे? ये क्रिकेट वगैरह के चक्कर में अगर हमने अपनी नमाज छोड़ दी तो क्या होगा? और आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स कई बार अपनी नमाजें मिस करते हैं, जो मुसलमान हो, और जो लोग स्टेडियम में मौजूद है वो लोगों की नमाज मिस होती है, और जो लोग टेलीविजन पर चिपके हुए रहते हैं वो लोगों की नमाजें मिस होती है। तो हम देखते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है कि अल्लाह ताला को भूल जाएं, हम अल्लाह ताला को याद ना रखें, नमाजें मिस करें।
अल्लाह के कितने सारे एहसान है, अल्लाह ने कितना सारा हमें दिया है, और उसके बाद में हम नमाज मिस करें कोई खेल कूद या एंटरटेनमेंट के चक्कर में, तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन सबसे पहली चीज नमाज, नमाज, नमाज की चेकिंग होगी, तो क्या जवाब देंगे हम, क्या जवाब देंगे? ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम आप देखेंगे कि लोग किसी एक टीम के फॉलोअर बन जाते हैं। मैं इस टीम को सपोर्ट करता हूं, मैं फला टीम को सपोर्ट करता हूं, मैं फला टीम को सपोर्ट करता हूं। अब इसमें क्या होने लगता है, वो टीम सपोर्ट का जज्बा और सामने वाले टीम वाले हमारे दुश्मन, ये चीज यहां तक पहुंचती है कि लोग कई बार आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ऐसे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि टीम प्लेयर्स ने आपस में झगड़ा किया, वो चलो कम बात है, लेकिन आप देखेंगे कि कई बार गेम्स के बाद गेम्स के जो सपोर्टर्स होते हैं अलग अलग टीम के, आपस में झगड़ा करने लगते हैं। यहां तक कि आप देखोगे कि एक केस जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आया है, बॉम्बे की ही बात है कि किसी गली में खेलने वाले बच्चों में टीम के अंदर एक टीम दूसरी टीम, हम जीते तुम हारे, हमने तुम्हें हराया तुम जीते, ये सब चीज के अंदर झगड़ा हो गया कुछ बच्चों का, आखिर में जाकर एक बच्चे की मौत भी हो गई इसी चक्कर में। तो ये चीज कैसे आती है, ये इस टाइप के जो प्रोफेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, जहां पैसा आ जाता है ना, पैसा, तो लोग पैसे के लिए ना बहुत सारे गलत काम करते हैं, पैसों के लिए लालची बन जाते हैं, पैसों के लिए उनके अंदर एक नफरत आ जाती है। अरे हम लोग तो नफरत दूर करना चाहते हैं ना, ये नफरत क्या चीज के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान से क्रिकेट के लिए नफरत करेगा, ये कितनी गलत बात है। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को बचपन से ही डिसाइड करना है, और हमारे बड़े भाइयों और बहनों से भी हम कहेंगे, ये सब नफरत दुनिया में हम और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो भी गेम गेम के चक्कर में, ये कितनी बेवकूफी की बात है, कितनी गलत बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम आपको पता है क्रिकेट का क्या है, और क्रिकेट के अंदर ये एक चौथा प्रॉब्लम है कि आप देखते हैं कि बॉल्स में अलग अलग टाइप के बॉल्स यूज होते हैं। एक तो बचपन में कोई प्लास्टिक के बॉल से शुरू करता है, प्लास्टिक बैट से खेलता है, फिर रबर के बॉल होता है, और फिर जाकर सीजन बॉल तक पहुंचते हैं। और जो सीजन बॉल जो होता है, खास तौर से जो ओरिजिनल सीजन बॉल होते हैं जिनसे प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जाती है, वो जैसे कि एक तरह का पत्थर होता है। अब ये चीज के बारे में हमें एक हदीस मिलती है, अब्दुल्ला बिन मुगफल रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, उन्होंने एक ताबई से कहा, ला तखजिफ, पत्थर मत फेंको, फइन्ना रसूलुल्लाह नहा अनिल खस्फ औ काना यकरहुल खस्फ। उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर फेंकने से मना किया या नापसंद किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक तरह का पत्थर है, और आपको पता होगा रिजल्ट क्या होता है। 1998 की बात है, जब हम लोग यंगस्टर्स थे उस जमाने में, रमन लांबा नाम का एक क्रिकेटर था जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, उसे क्रिकेट के मैदान में बॉल लग गया, और बॉल लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। आज से कुछ वक्त पहले की बात है, 2014 की बात है, फिल यूजिस नाम का एक क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, उसे बॉल गेम के दौरान बहुत जोर से एक बाउंसर उसकी नेक पे लग गया, गर्दन पर, और ये लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। और ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स हैं जिनकी मौत हुई है क्रिकेट की वजह से गेम में, और कई सारे हैं जो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं इसी वजह से। जब भी गेम होती है प्रोफेशनल क्रिकेट, तो साथ में एम्बुलेंस वगैरह रेडी रखने पड़ता है। तो हम देखते हैं कि ये क्यों, एक गेम का मकसद क्या होता है, गेम का मकसद होता है फिजिकल डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को बॉडी हेल्दी बनाओ, इसके अंदर ये मकसद नहीं होना चाहिए ना कि हर्ट हो जाए। इसी वजह से सीजन बॉल के साथ नहीं खेलना चाहिए। आपको खेलना है, आप रबर बॉल के साथ गेम खेल रहे हैं, प्लास्टिक बॉल के साथ खेल रहे हैं, आप खेल सकते हैं, लेकिन सीजन बॉल के अंदर वो जो पत्थर फेंकने से मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हदीस है, और जो हम देखते हैं कि फिजिकल इंजरीज होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसी वजह से ये गेम के अंदर इस चीज को अवॉइड करें तो हमारे लिए ही बेहतर है। एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग जो क्रिकेटर को अपने लिए हीरो बनाते हैं, बोलते ये हमारा हीरो है। आप देखोगे कि गेम्स के अंदर जब लोग चीयर अप करने के लिए जाते हैं, तो यहां तक के स्टेटमेंट्स कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रिकेट इज आवर रिलीजन, और फलां फलां क्रिकेटर तो हमारा गॉड है। तो लोग उसे गॉड बना देते हैं, उसको जैसे कि फॉलो करते हैं। आप देखेंगे क्रिकेटर्स की हर अदा को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्रिकेटर्स जो हेयर स्टाइल रखते हैं वो हेयर स्टाइल को कॉपी करते हैं, उनकी स्टाइल कॉपी करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये गेम है, इसके अंदर इस तरह से जब लोग अपने लिए रोल मॉडल या कॉपी करने लगते हैं, यहां पर प्रॉब्लम है।
क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो जो इंसान है जो एक गेम खेल रहा है, वो बाकी जिंदगी में कैसा है, वो अपने अखलाक में, अपने कैरेक्टर में कैसा है, अपने अल्लाह के साथ रिलेशन में कैसा है, क्या वो अपनी जिंदगी के मकसद को जानता है, क्या है वो इंसान बाकी जिंदगी की डीलिंग्स में। तो यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यहां पर यहां तक कि लोग अपने लिए जो रोल मॉडल बनाते हैं, जो दिखते हैं, बोले मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्हें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे लगने चाहिए, सहाबा इकराम से मोहब्बत होनी चाहिए, फिर वो मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत किसी और के लिए होने लगती है। यहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग ये क्यों नहीं देख सकते हैं कि जो चीज आदमी देखता है देखता है देखता है देखता है उसका असर पड़ता है उस पर। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, सहाबा के बारे में पढ़ेंगे, आपको सहाबा से मोहब्बत होने लगेगी। अगर आप क्रिकेट 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 ये आपकी जिंदगी है, तो फिर क्या होगा, आपको उन्हीं से मोहब्बत होने लगेगी। तो मेरे बच्चों, अब आप छोटे हैं, और हमारे भाइयों, आप सबके लिए एक बात है, वो ये बात है कि ये गेम जो क्रिकेट गेम है, ये खुद हम देखते हैं कि एक तरह से ओवररेटेड गेम हो गई है। ओवररेटेड यानी जितना रेटिंग है उसकी उससे ज्यादा उसकी रेटिंग हो गई है। अगर आप ये गेम में देखेंगे, दो टीम्स होते हैं 11-11 लोगों की, जाते हैं, दो टीम में से एक टीम बैटिंग टीम होती है, एक टीम जो बॉलिंग एंड फील्डिंग टीम होती है। अब आप देखो जरा गेम को अगर आप रियली, तो फाइनली एंजॉय कौन कर रहा है? 22 लोगों में से, 22 लोगों में से जिसके हाथ में बैट है वो कर रहा है एंजॉय, बाकी जो 10 लोग उसकी टीम के बैठे हुए हैं, और जो 11 लोग हैं उसमें से एक जिसके हाथ में बॉल है वो एंजॉय कर रहा है, बॉल फेंक रहा है, बाकी 10 लोग वेट कर रहे हैं कि कभी कोई बॉल अगर हमारे पास आ जाए तो हम कैच करेंगे। एक ऐसी गेम होती है जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, भागना पड़े, दौड़ना पड़े, जैसे फुटबॉल एक हद तक। हाँ, फुटबॉल में भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो हम इंशाल्लाह हमारी फुटबॉल की स्पेशल एपिसोड में देखेंगे, लेकिन फुटबॉल के अंदर ज्यादा भाग दौड़, 1.5 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा भाग दौड़, फिजिकल फिटनेस हो जाती है। लेकिन यहां पर क्रिकेट के अंदर ज्यादा चीज क्या होती है कि भाई आप कैसे इसे घुमाते हो, कैसे खेलते हो, कैसे बॉल आ गया, एक बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर देखें कि इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट कितना है, मतलब बॉडी कितनी डेवलप होती है, तो ये गेम के अंदर लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट यानी बॉडी के डेवलपमेंट फिटनेस के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी गेम नहीं है। हाँ, आपको छोटा मोटा खेलना है खेल लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बहुत ज्यादा हम देखें कि इसके अंदर वो 22 प्लेयर्स में से कौन कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है। भाई नॉर्मली आपको पता होगा कि अगर कोई डाइव मार करके बॉल कैच करने की कोशिश करे तो गिर करके उसकी हड्डी फसली टूटने के बहुत चांसेस है, क्योंकि वहां पर तो प्रोफेशनल क्रिकेट में खास घास ऐसी लगी होती है जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्मल गेम्स के अंदर ये बहुत सारी चीजें हैं, और लोग नॉर्मली डाइव करके कैच करेंगे भी नहीं, क्योंकि कौन अपनी जिंदगी को रिस्क पे लगाएगा। अपने लिए फिटनेस के लिए कुछ ऐसी गेम चुनिए जिसके अंदर आपकी बॉडी अच्छी डेवलप हो, इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट भी हो, एंजॉय भी करें, और साथ साथ में डेवलपमेंट भी हो। क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स, खास तौर से जब किसी कंट्री की क्रिकेट मैच होती है तो देख करके किसी साइड के सपोर्ट में घर में चिल्लाना, घर में झगड़ा, यहां तक आके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्रिकेट की वजह से। ये फाइनली एक गेम से ज्यादा लोगों के लिए उनका रिलीजन बन गई है। सचमुच बहुत से लोगों के लिए ये उनका मजहब बन गया है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 51, الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا, وہ لوگ جو اپنے دین کے طور پر لهوا ولعبا یوزلیس چیزیں کھیل کود کو اپنا ریلیجن بنا لیتے ہیں, وغرتهم الحياة الدنيا, اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ دیکھیے ہم سب کو سمجھنا ہے हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जिसके पास जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, जिसे पता नहीं है कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, जिसे पता नहीं है कि हम दुनिया में एग्जाम चल रहा है हमारा, अल्लाह ताला हमें रिजल्ट देने वाले हैं, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है वो दुनिया में क्या कर रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं है उनका बनाने वाला कौन है, जिन्हें मालूम नहीं है कि यहां से हमें कहां जाना है, ऐसे लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा उन्हें तो दुनिया में जिंदगी में खालीपन उनको जैसे काटने को आएगा, काटने को उनको ऐसा लगेगा मैं क्या कर रहा हूं दुनिया में। लेकिन जिसे पता है कि मैं यहां दुनिया में इम्तिहान के तौर पर हूं, कयामत के दिन जिसने मुझे पहली बार बनाया अल्लाह ने,
उसके लिए फिर से बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। कयामत के दिन मेरा हिसाब आने वाला है, मैं या तो जन्नत में पहुंचूंगा या तो जहन्नम की आग में जाकर वहां सजा पाऊंगा। अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम है तो ये इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत नहीं खेल सकते, ये हराम है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो प्रोफेशनल तौर पर बना दिया जाता है एक तरह का पूरा बिजनेस कॉम्पिटिशन, ये सब गलत है। इस सब से हमें खुद को भी बचना चाहिए, बचपन से अपने आप को बचाना चाहिए, बड़ों को भी बचना चाहिए, छोटों को भी बचना चाहिए, घर वालों को बचाना चाहिए, घर में क्रिकेट को रोक देना चाहिए। हाँ, आपको वो वक्त साथ में गुजारना चाहिए, माँ बाप बच्चे एक साथ में क्यों ना कुछ अच्छी चीज करें, वो क्रिकेट बन करके कुछ खुद एक अच्छी एक्टिविटी करें, कोई ऐसी चीज करें जिससे आपका रियली फायदा हो। वो क्रिकेटर्स के करोड़ों रुपए बन रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हो, तो अपने आप को इस तरह से बेवकूफ बनने मत दो, बनाने मत दो। आखिर में हम सब के लिए एक बात है कि अपनी जिंदगी के मकसद को याद रखना चाहिए और हेल्दी एंटरटेनमेंट जिससे सेहत बने अच्छी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सारी ये बुरी चीजों से बचकर हमें अपनी गेम खेलनी चाहिए और वो गेम्स के अंदर इंजॉय करें जिससे कयामत के दिन हम किसी पर जुल्म करके नहीं आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कैसे शैतान भी यूज कर रहा है क्रिकेट के अंदर, फिर बेहयाई को भी डाल देते हैं, ऑब्सिनिटी, गंदी चीजें भी आ जाती है, कैसे लोगों को क्रिकेट के बहाने शैतान के रास्ते पर ले जाया जाए। ऐसे प्लान में शैतान को कामयाब होने नहीं देना चाहिए, हमें अपने सीधे रास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जम के रहना चाहिए, इसी पर जीना चाहिए और इसी पर इंशाल्लाह कामयाबी के साथ जीतना चाहिए। असल विनर वो है जो जिंदगी के मकसद को पहचान ले। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको इस बात की अहमियत को समझने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।